हम कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं जिससे कई बीमारियां उत्पन्न होती है। उससे अच्छा ये होगा कि हम उसके लिए कूड़ेदान का उपयोग करें। सूखे कूड़ेदान के लिए नीला डब्बा तथा गीले कूड़े के लिए हरा डब्बा उपयोग में लाएं। और इस कचरे को नगर पालिका द्वारा चलने वाली गाड़ी पुनर्चक्रण केंद्र में ले जाती है। पुनर्चक्रण केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर व्यर्थ सामग्री का नई उपयोगी सामग्री में परिवर्तन हो जाता है। इधर धातु के रूप में एल्यूमिनियम तांबा लोहा कोयला रखे जाते हैं तथा फिर धातु पृथक्करण यंत्र में लगकर पृथक कर दिया जाता है। कचरे को पॉलीथिन कागज पर एकत्र किया जाता है तथा फिर वायु पृथक्करण यंत्र में रखकर वायु के दाब से हल्के तथा भारी कचरे को पृथक कर दिया जाता है। इस कचरे को ट्रक के माध्यम से कारखानों में ले जाया जाता है और कारखाने में इससे नई सामग्री बनाई जाती है। ये बायोगैस निर्माण, बायोगैस निर्माण में जैविक कचरे के रूप में गोबर फलों सब्जियों के छिलके को पानी के साथ मिलाकर सड़ाया जाता है और उससे उससे बायोगैस का निर्माण किया जाता है और बचे हुए कचरे का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। खाद का निर्माण यह भी हम हमारे घर पर कर सकते हैं। पहले मिट्टी रखकर उसके ऊपर फलों सब्जियों के छिलके रखना है और फिर कुछ दिनों पश्चात हमारी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। यह फलों ये पौधों को अधिक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करती है। भस्मक यंत्र, इसके अंदर कचरे को उच्च ताप में जलाया जाता है तथा जलाया जाता है, इससे कचरे का निपटान हो सकता है और इसका ये लाभ भी है कि यह बिजली का उत्पादन करता है। धन्यवाद।